हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग इन विभा। और मैं हूँ विभा। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना इवनिंग का शेड्यूल। दोनों शैतान यानी कि आयु पीयू को घर छोड़ के आई हूँ मैं। ये साथ में पूजा के फूड भी लेके आई हूँ। और इनका मैं और भी क्या करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये है इवनिंग का टाइम, मेरी सोसाइटी का वॉक कर रहे हैं। अब मैं फटाफट घर पहुंचती हूँ और देखती हूँ कि दोनों शैतान क्या कर रहे हैं। इनको देखिए, इनका टॉवल, लगता है ये भी अभी ही ऑफिस से आए हैं। क्या हुआ, शांति क्यों है? घर में घुसी तो शांति थी, मुझे लगा आयु सो रहा है, पर आयु नहीं सो रहा, आयु तो जग रहा है। तो फ्रेंड्स, बाहर से आने के बाद मुझे लग रही है प्यास, तो मैं बनाऊंगी नींबू और शहद को गर्म पानी में मिला के बनाती हूँ अपना वेट लॉस ड्रिंक। ये काफी इफेक्टिव है वेट लॉस करने में, आप भी ट्राई करिएगा। ये देखो आगे शैतान आयु, इनको भी पीना है। इनको लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या पी रही हूँ, लेकिन अब इसको नहीं पीने तो समझ में आ गया ये इसके काम की चीज नहीं है। अब मैं करती हूँ इसे फिनिश। बाहर से आने के बाद ना मैं किचन में ही थी, तो उसको मैं दिखाई नहीं दी हूँ, तो उसको बहुत वो हो रहा है कि मम्मा बस मुझे ही प्यार करे और मेरे साथ ही खेले। और आयु को संभालने की पापा की ड्यूटी खत्म, और मम्मा संभाले, पापा तो उठ के चल दिए। अब मैं थोड़ा आयु को सेट कर लूँ, मिलती हूँ ब्रेक के बाद। खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते मैम की कॉल आ गई और इसकी ड्रामे की प्रैक्टिस चल रही है, स्कूल में फंक्शन है। तो अब मैं फटाफट खाना बनाती हूँ क्योंकि आज ऑलरेडी लेट हो चुका है, 8:30 हो गए हैं, 8:15 तक हम कहाँ डिनर डन कर देते हैं। तो अब मैं फटाफट खाना बनाती हूँ, बात करती हूँ बाद में आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं डिनर रेडी कर आई हूँ। ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। सर्दियाँ आ गई है ना, तो अब कपड़े लेट ही सूखते हैं, तो अब मैं इनको फटाफट करती हूँ फोल्ड। ये देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये ट्रक हटाना पड़ेगा जो मेरा रास्ता रोके है। एक तो ये ट्रक है ना, मेरे लिए आफत है, इसका ऊपर का हिस्सा निकल जाता है ना, ये उतनी बार मुझसे जुड़वाता है। आज ना सुबह उठने से पहले इसे ये ट्रक मिलेगा नहीं, छुपा दूंगी। तो चलिए, अब कपड़े सब सेट कर दिए हैं मैंने। आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैंने पैरों में इतनी बड़ी चप्पलें क्यों पहन रखी हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली मेरी हैबिट में है बड़ी चप्पल पहनना। बड़ी चप्पल पहनने से क्या होता है, पैरों में ना निशान नहीं पड़ते हैं। अब नीचे का समेटा, तो अब ये ऊपर इसने फैला रखे, अब इनको भी फटाफट समेटती हूँ। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं अपना नाइट स्किन केयर रूटीन आपसे शेयर करूंगी, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें। आयु प्लीज अब मत फैलाना, मैं सब रख देती हूँ। ओके ओके, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ये सब रख के मिलती हूँ आपसे डिनर के बाद। तो गाइज, अब मेरा डिनर हो गया है और अब मैंने सब सेट कर दिया है। अब मैं शेयर करूंगी आपसे नाइट स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी ये बायो तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी बायोटिक का तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी बायोटिक का फेस क्लींजर। बहुत यूज करती हूँ ना, तो अभी खत्म हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा अपने फेस पे ऐसे लगा लूंगी। एक्चुअली
फेस पे आज मेकअप नहीं था तो मैं कुछ ऑयल बेस वाला चीज यूज नहीं करूंगी। फेस पे बस घर में ही थे पूरे दिन तो बस डस्ट है तो उस डस्ट को ही रिमूव करना है। तो बस थोड़ी सी मसाज के साथ मैं ये क्लींजर अपने फेस पे लगाती हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ अपने हाथों पे लगा लो। उसके बाद आप वाइप से, आपके पास कॉटन के वाइप्स हैं या फिर आपके पास बेबी वाइप्स हैं तो आप उससे उसको ऐसे क्लीन कर सकते हो। मैं वेट वाइप्स से यूज कर लेती हूँ। फेस पे जितना भी डर्ट पॉल्यूशन, घर में रहने के बावजूद भी फेस पे बहुत डर्ट आ जाता है तो इससे वो सब रिमूव हो जाता है डर्ट मेरे। तो अब मैं करती हूँ फेस वॉश, ये भी बायोटिक। अच्छा आ रही हूँ। ओके क्या फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पानी की चल रही है कुछ दिनों से प्रॉब्लम, स्टोर कर लो। तो अब मैं फेस वॉश मग की हेल्प से करती हूँ। ये हो गया फेस वॉश, ट्राई कर लेती हूँ। फेस क्लीन हो गया है। फेस क्लीन करने के बाद मैं लगाऊंगी अपने फेस पे टोनर। वैसे मैं नेचुरल टोनर यूज करती हूँ ज्यादातर, लेकिन इस वक्त मेरा ना खत्म हो रहा है तो मैं यूज करूंगी गुलाबबरी का गुलाब जल। तो बस दो तीन स्प्रे फेस पे। तो ये है नाइट क्रीम, ये है बायोटिक का नाइट क्रीम। इसके ऊपर जो स्लिप है ना वो आयु ने निकाल दिया, उसको ना स्लिप स्टिकर देखते हैं ना तो उसको बड़ा निकालने का रहता है। तो ये बायोटिक नाइट क्रीम, सॉरी ये गलत आ गई है, मैं दूसरी लेके आती हूँ एक मिनट। ये है वो क्रीम बायोटिक की नाइट क्रीम, वीक नाइट की है ये नाइट क्रीम। इसका पे जो लिखा था ना उस समय की नाइट क्रीम बायोवीट जर्म, ये है नाइट क्रीम, इसमें है क्रीम। एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली ये दोनों डिब्बी है सेम और आयु ने इनका स्टिकर हटा दिया है तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ। हालांकि नीचे है पर वही ना ध्यान नहीं जाता है। अब मैं इन पे ना मार्क लगा दूंगी। तो ये है हमारी नाइट क्रीम, इसको मैं थोड़ी सी लेती हूँ और बंद कर देती हूँ गेट। नहीं तो आयु आ गया ना तो सब लगा लेगा। से क्रीम लगानी है थोड़ी सी नेक पे, बच्ची पे, हाथों पे लगा लेती हूँ क्योंकि हाथ भी आजकल बहुत जल्दी ड्राई होते हैं। फ्रेंड्स मैंने पहले फेस क्लींस किया और फिर उसके बाद फिर वॉश किया, फिर टोनर लगाया, फिर टोनर के बाद मैंने लगाया नाइट क्रीम। मैं अभी कोई सीरम नहीं लगाऊंगी टोनर के बाद, ठीक है ना, थोड़ी स्किन को भी फ्री छोड़ना चाहिए हमें, ठीक है ना, स्किन हाइड्रेट रहेगी इससे मेरी। ठीक है अब मैं लगाती हूँ लिप बाम, लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ले आई हूँ लिप बाम हिमालय का, एक बंद कर देती हूँ ना तो फिर से आ जाएगा और मेरे से ज्यादा वो लगाएगा। तो हल्का सा ये लिप बाम लगा लेते हैं। अगर आप दिन में लिपस्टिक लगाते हैं तो रात में लिप बाम वैसलीन जरूर लगाइए,
इससे लिप सॉफ्ट रहेंगे, लिपस्टिक भी सुंदर दिखेगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा नाइट केयर रूटीन, तो अब मैं जरा देख के आती हूँ कि उधर क्या हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं। मिलती हूँ ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब सोने की तैयारी में हैं और मेरा भी ऑलमोस्ट सब डन है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का इवनिंग रूटीन, मेरा स्किन केयर रूटीन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो उसे थम्स अप देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और वीडियो यूज़फुल लगा हो तो उसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को करती हूँ यहीं एंड, मिलती हूँ जल्दी आपसे अपने दूसरे व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।